संजय सिंह भुईहार बिरादरी के हैं, यानी कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। आनन फानन में पुरानी कमेटी को एक निर्णय लेना पड़ा, अंडर 15 और 20, क्योंकि 31 दिसंबर को इनका ये सत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर ये टूर्नामेंट होता है तो उनका एक साल खराब हो जाएगा। इसलिए सारी फेडरेशनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि किसी तरीके से खेल का एक वातावरण शुरू हो, और नंदिनी नगर में इसलिए रखा गया क्योंकि हर फेडरेशन के लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि 4-5 दिन के अंदर हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। उस मीटिंग में एक तरीके से मेरे विदाई का, जैसे परंपरा होती है, कोई अध्यक्ष रहता है और तो उसको एक तरीके से जब वो छोड़ता है अपना कार्यकाल तो एक विदाई समझ लीजिए और 2-4 शब्द बोलना पड़ता है। तो इस नाते मैं भी वहां पर गया था, और ये बच्चों का, 15 साल के बच्चों का और 20 साल के बच्चों का साल खराब ना जाए और खेल का वातावरण फिर से शुरू हो, इसलिए नंदिनी नगर में इसे कराने का फैसला आम सहमति से लिया गया। 25 के 25 फेडरेशनों ने अपनी लिखित और मौखिक दोनों सहमति दे रखी है। वीके न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।